नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल सीएससी डिजिटल इंडिया में आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। पीएमजी और आयुष्मान कार्ड कैसे बनानी है, उसके सारे प्रोसेस इस वीडियो में बात करेंगे। उसका कार्ड को कैसे प्रिंट करोगे और केवाईसी कैसे कम्प्लीट करनी है, नाम को कैसे सर्च करोगे, सारे डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास तो कोई आइडिया होना चाहिए, आयुष्मान का कोई भी आइडिया अगर है आपके पास में तो लॉगिन करके उसको आप केवाईसी कलेक्ट करके उसका कार्ड बना सकते हो। अगर नाम सेम होता है कि एसएससी लिस्ट के अगेंस्ट में जो जैसे कि नाम पोर्टल के अगेंस्ट में आधार से सेम होता है तो आप कार्ड कैसे साथ ही साथ में प्रिंट कर सकते हो और कार्ड कैसे एक साथ में प्रिंट करोगे उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को बिना पॉज किए आप देखते रहिए ताकि आपको सारे बात समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है कि अपने कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेनी है। ब्राउजर में आपको यूटीआई पीएमजीओ लिखना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग वहां पे से जाके भी लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले आपके सामने जो भी लिंक खुलेगा उसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसके सामने आपको इस वाले लिंक को आपको क्लिक करना है। अब जब यहाँ पर क्लिक करोगे आपको पेज दूसरा पेज पे ऑटो रिडक्ट करके लेके जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आई एग्री पर क्लिक करना है और आप साथ में यहाँ पे देखोगे आपकी लॉगिन यूजर लॉगिन का एक ऑप्शन हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है, यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है। हम यूजर लॉगिन पर जब क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर किसी के पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप जरूर बना ले। तो फटाफट से हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद आप देखोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सेंड ओटीपी करना है। इसके बेटे की ओटीपी मत कीजिए क्योंकि जब आप इसके पे ओटीपी करोगे आपके पेज को खुलेगा, लेकिन जब आप हेल्थ सर्विस पे जाओगे वहाँ पे आपको फिर से बैक होगा और ओटीपी फिर से सेंड करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले आप ओटीपी को वेरीफाई कर ले, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगा। तो यहाँ पर से आप ओटीपी को एंटर करें। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करनी है। तो वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे आपके डैशबोर्ड सामने ओपन हो जाएगा, उस ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, वो एक वॉलेट है, ट्रांजेक्शन है, आयुष कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, आयुष्मान कार्ड। और हमको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पे क्लिक करना है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पर जब क्लिक करोगे आपके सामने कुछ दूसरा पेज पे ऑटो रिडक्ट करके लेके जाएगा आपको, और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका पेज ओपन हो जाएगा जो डैशबोर्ड है आपका। तो हमको आयुष्मान कार्ड अगर बनानी है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बेनिफिशियरी को सर्च करनी है, जो हमारा एसईसी लिस्ट में है उसका नाम हमको सर्च कर लेनी है सबसे पहले। तो इसके लिए हमको क्या करना है, आपके देखिएगा बाई तरफ आपको एक डैशबोर्ड दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे होम पे सर्च और लिंक आधार, अप्रूव बेनिफिशियरी, पेंडिंग बेनिफिशियरी, रिजेक्ट बेनिफिशियरी और साइन आउट का एक ऑप्शन। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन है सॉर्ट करके, तो हमको सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। सर्च बेनिफिशियरी पर जब क्लिक करोगे आपके सामने कुछ दूसरा पेज पे लेके जाएगा आपको। तो सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी स्टेट से हो आपका स्टेट को नाम सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो पैरामीटर पे, सर्च पैरामीटर पे आपको मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हो, रेशन कार्ड से, एचएस आईडी से भी कर सकते हो, पीएमजी आईडी से और एसईसी नेम और अटल अमृत से भी आप सर्च करते हो। अभी फिलहाल अटल अमृत अवेलेबल नहीं है, तो आप इनके जो पांच ऑप्शन है इसमें सात ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास जो भी है, अगर मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड हो, रेशन कार्ड है, या तो एचएसआईडी कहाँ पर मिलेगा, एचएसआईडी आपको जो पहले वाला जो आयुष्मान कार्ड दिया होता था उसमें आपका एचएसआईडी का नंबर भी होता है ना। फिलहाल मेरा पास एचएसआईडी है तो मैं एचएसआईडी से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एचएसआईडी से हम सर्च करेंगे। जब आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने जो भी फैमिली उस कार्ड के अगेंस्ट में एसईसी लिस्ट में रजिस्टर्ड है सारे फैमिली का डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपका सारे फैमिली का डिटेल्स शो कर रहे हैं।
यहाँ पर आपको जो जिस बंदे का भी आपको केवाईसी करना है, इस फैमिली का कोई भी बंदा का आपका अगर केवाईसी करना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कलेक्ट केवाईसी का, सबके सामने में कलेक्ट केवाईसी का ऑप्शन है और पीले कलर का होता है। अगर किसी का अगर केवाईसी कंप्लीटेड है, किसी का अगर केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीले कलर के अलावा यहाँ पे रेड कलर आएगा, उसका केवाईसी पहले से किया हुआ होगा शायद। जिसका अगर रेड कलर का होता है तो मतलब इसका समझ लेना है आपको कि उसका केवाईसी पहले से कर चुके हैं। तो मेरा फिलहाल यहाँ पे सारे का ग्रीन कलर है, इसका मतलब इनका सारे भी एक्टिव है, इसका सारे के केवाईसी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कोई भी एक बंदे को स्विच कर लेते हैं। काले केवाईसी के बटन पर क्लिक करना है। जब काले केवाईसी के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको आधार बेस करनी है। तो हमको क्या करना है, सिलेक्ट आईडी टाइप, आप नीचे देखिएगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट आईडी टाइप का ऑप्शन हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिलेक्ट आईडी टाइप पे। सिलेक्ट आईडी टाइप पर जब क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको एग्री करनी है येस को। उसके बाद आपको यहाँ पर भी एग्री करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, जिस बेनिफिशियरी का आप केवाईसी कर रहे हो उसका मोबाइल नंबर देनी है। हम यहाँ पे फिलहाल एक मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जब वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सिलेक्ट ऑथेंटिकेट टाइप है, इसको आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है। कौन सा टाइप से आप आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हो आप, ओटीपी बेस भी कर सकते हो। अगर किसी का आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप बायोमेट्रिक के जरिए भी ऐसे केवाईसी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल आधार ओटीपी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपको डालनी है। आधार नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है, कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद। उसके बाद आधार नंबर से जो लिंक है वहाँ पे ओटीपी जनरेट हो जाएगा, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो भी नंबर से लिंक है वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। 6261 6267 2611 6267। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जब वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे ओटीपी इज वैलिड लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी के सारे डिटेल्स यहाँ पर लिख के आएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी का जो भी नाम वगैरह है यहाँ पर आपको रिलेशन टाइप देनी है। जो भी डाटा है आपको फिलअप कर लेनी है। सबसे पहले इसका नाम वगैरह जो एड्रेस जो भी आपको सेव कर लेनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपको एक फैमिली आईडी का टाइप पूछेगा, आपके पास में कौन सा डॉक्यूमेंट से आप केवाईसी करना चाहते हो। तो मैं फिर मेरा पास फिलहाल रेशन कार्ड है, तो मैं रेशन कार्ड से उसका केवाईसी कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो मैं रेशन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालूंगा। रेशन कार्ड का नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर देखो सेक डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फैमिली का सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पे फैमिली का फ्रंट साइड डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखो, फैमिली डॉक्यूमेंट ऑफ फोटो फ्रंट, जो रेशन कार्ड का फ्रंट पेज है वहाँ पर उसको आपको अपलोड करनी है। और यहाँ पर और एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक फैमिली मेंबर का नाम भी दिया हुआ है। जो जो फैमिली है इसमें आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी नया बंदा यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं उसको भी नंबर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जो भी आपका डैशबोर्ड पे मतलब एसएससी लिस्ट में अगर कोई के बंदा का नाम नहीं है तो उसका भी नाम यहाँ पर आप जोड़ सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ का फैमिली के सारे डिटेल्स सारे नेम यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले फैमिली को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पेज को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, सोर्स फाइल पर क्लिक करेंगे। जब सोर्स फाइल क्लिक करोगे तो आपका जो भी फाइल आपने सेव करके रखा है वैसे हमने अभी फिलहाल यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद अपलोड फैमिली डॉक्यूमेंट नीचे ऑप्शन आपको देखेगा। यहाँ पर अपलोड करने के बाद भी आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैंक हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
अपलोड फैमिली डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो जो ब्लैंक है वहाँ पे इमेज आ गया है जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तो उसके बाद आपको बैक पेज को अपलोड करना है। तो बैक पेज को अपलोड करने के लिए सेम प्रोसेस आपको अपनानी है। तो सबसे पहले फाइल चूज फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद बैक साइड को आपको फिर से आपको फैमिली अपलोड बैक साइड को अपलोड क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट केवाईसी बटन पर क्लिक करना है। जब सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे सबमिट का बटन है उसको आपको क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा आपको। फिर से आपको सबमिट बटन पर क्लिक करनी है। इस तरह से आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलरेडी आपका जो केवाईसी है कंप्लीट हो चुके हैं, सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कार्ड को कैसे प्रिंट करनी है, आप कार्ड कैसे प्रिंट कर सकते हो, अप्रूव हुआ कि नहीं, उसका कार्ड बना कि नहीं, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो डैशबोर्ड है आपके सामने में, डैशबोर्ड में आप देखोगे कि अप्रूव और पेंडिंग का एक ऑप्शन है, अप्रूव बेनिफिशियरी, जो भी अप्रूव्ड लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अप्रूव बेनिफिशियरी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद जो भी स्टेट है आप स्टेट से आप सिलेक्ट करना है आपको। तो मैं फिलहाल यहाँ पे से सर्च कर लेता हूँ मेरा अप्रूव्ड जो बेनिफिशियरी है। उसके बाद आप देख सकते हो जो भी कार्ड आपको यहाँ पर अप्रूव हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर से जो ऑप्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ड प्रिंट का कॉन्फर्म प्रिंट, तुम यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हो नीचे आप देखोगे डाउनलोड कार्ड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड कार्ड का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर से हम डाउनलोड कार्ड क्लिक कर लेते हैं। डाउनलोड कार्ड क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो भी डाउनलोड पेज है, डाउनलोड कॉपी है, पीडीएफ जो कॉपी है, इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस तरह से केवल पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका जो भी कार्ड है वो कार्ड को आप प्रिंट कर सकते हो, आयुष्मान कार्ड साथ ही साथ में आप प्रिंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल सीएससी डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। सीएससी डिजिटल इंडिया।